जी, पहले अदवार में जब सरकारी मुलाज़मीन शामिल हुए थे, जैसे कि आपको मालूम है, दिसंबर 2019 से हमने डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल से सरकारी मुलाज़मीन को लिस्टों से खारिज करना शुरू कर दिया था। और खाली सरकारी मुलाज़मीन ही नहीं, डेटा एनालिटिक्स की बुनियाद पे और भी बहुत कवायफ देखे गए थे। मसलन, अगर किसी के पास गाड़ी है या अगर किसी ने अपने बहुत दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है, या FBR में अपनी इनकम लिखवाई हुई है कि ये 50,000 से ज़्यादा है, मगर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम से भी फ़ायदा ले रहे हैं, तो पहले तो हमने डेटा एनालिटिक्स का निज़ाम बनाया कि ऐसे लोगों को प्रोग्राम से निकाला जाए। और अब जो जो भी लोग नए सर्वे की बुनियाद पे हकदार ठहराते हैं, उनकी भी डेटा प्रोफाइलिंग होती है कि क्या ये सरकारी अफसर तो नहीं, क्या इनका शौहर सरकारी अफसर तो नहीं है, इनके नाम पे गाड़ी तो नहीं है, इन्होंने मल्टीपल टाइम्स इंटरनेशनल ट्रैवल तो नहीं किया, FBR में इनका क्या स्टेटस है, इनके फ़ोन के बिल्स के एवरेज क्या है। तो ये एक सिस्टम का हिस्सा बन गया है, ये जो डेटा डेटा की बुनियाद पे जो जांच पड़ताल है, अब ये सिस्टम का हिस्सा बन गया है। और जिसको भी हम हकदार ठहराएंगे उस पे ये डेटा एनालिटिक्स का इतलाक होगा। तो जी देखें जी, रिलीफ का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हमने इस फेब्रवरी की बिगिनिंग ऑफ फेब्रवरी से हमने जो अभी तक 70% जो लोग जो सर्वे हुआ है उसकी बुनियाद पे जितने लोग हकदार ठहराए हैं, उनको हमने पेमेंट शुरू कर दिया है। कल की तारीख में कोई 7 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को SMS जा चुके थे कि जी अब आप एहसास वकालत के थ्रू आपकी मुआवनत होगी और आप जाके अपने पहले पैसों की ट्रांश कलेक्ट कर लें। 7 लाख लोगों को, बहुत से ऐसे घराने हैं जो हकदार ठहराए हैं, 13 लाख ऐसे घराने हैं जो हकदार ठहराए हैं, मगर उनके घर में खवातीन के पास आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं हैं। उनको हमने खत पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजे हैं कि जी आप लोग, आप जो हैं अपने घर में खवातीन के आइडेंटिटी कार्ड्स बनवाएं ताकि आपको पेमेंट शुरू हो, क्योंकि आप हकदार ठहराएं। और जैसे जैसे सर्वे कंप्लीट होता है, हम एनालिसिस करते हैं कौन से हकदार ख़ानदान हैं, फिर उसकी डेटा की जांच पड़ताल होती है, तो वो एक पूरी पाइपलाइन है। तो अब हर हफ्ते 2 लाख 3 लाख लोगों को ये मैसेजेस जाएंगे और उसको पब्लिकली हम शाया भी करते हैं। आपने देखा होगा हमारा एक डैशबोर्ड है, उस पे ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है और बहुत डिटेल से अवेलेबल है कि किस प्रोविंस में कितने पैसे जा रहे हैं, कितने हकदार लोग हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और किस डिस्ट्रिक्ट की तहसील में कितने पैसे जा रहे हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है और अब से लेके जून तक जैसे जैसे सर्वे मुकम्मल होगा, वैसे वैसे लोगों को पेमेंट्स भी 12,000 की नोटिफिकेशंस जाएंगी। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जिन घरानों में आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, उन घरानों में वो आइडेंटिटी कार्ड बनाने की नोटिफिकेशन भी जाएंगी। और एक चीज़ की मैं और वजाहत करती जाऊँ, क्योंकि मैं रेडियो प्रोग्राम हर हफ्ता करती हूँ और रेडियो प्रोग्राम में मैं लाइव कॉल्स लेती हूँ, तो लाइव कॉल्स में जो सबसे ज़्यादा बात पूछी जाती है वो माजूर अफराद के बारे में, मैं उनको खसूसी अफराद कहूँगी। तो मतलब 99% जो रेडियो की कॉल्स होती हैं, आज सुबह भी मैं कौमी नशरियाती राबते पे रेडियो का प्रोग्राम कर रही थी, 99% कॉल माजूर अफराद की होती कि जी हम खसूसी अफराद हैं, माजूर अफराद हैं, घर में नाबीना है, ये हम क्या करें। तो उनको यही हम बताते हैं कि आप नादरा से अपना खसूसी अफराद का कार्ड बनाएं और हमारे सर्वे में शमूलियत करें। तो जब वो कार्ड बन जाता है तो हमारे पास खुद नोटिफिकेशन आ जाती है कि इस घर में एक खसूसी फ़र्द है। तो उनके लिए एहसास किफालत में शमूलियत की चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके लिए वो जो थ्रेशोल्ड होता है, जो हद होती है, वो हमने ज़रा ऊपर करके रखी हुई है। तो आपके तवसुत से मैं ये भी चाहूँगी कि लोगों तक
ये मैसेज भी पहुंचे कि नादरा के कार्ड बनाएं और हमारे सर्वे में शमूलियत कर लें और फिर ऑटोमेटिकली डिसीजन हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ये लोग पूछते हैं कि जी हम आपको किस पते पे ख़त लिखें, कार्ड कहाँ भेजें, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम, मैंने सवाल था कि जी आपने सर्वे का कार्य कर रही है कि सर्वे हम कर रहे हैं, ठीक है सर, वो तो हमने सर्वे खुफिया तौर पर रखा गया है, अब जैसे आप कह रहे हैं आपके तवज्जो से लोगों में अवेयरनेस दी जा रही है कि ऐसे भी कर रहे हैं, वो तो वहाँ से पहले करना चाहिए सर। बहुत अच्छा आपका सवाल है भाई। जैसे कि मैंने पहले कहा, मैंने थोड़ी देर पहले, गालिबन आप लेट आए हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पूरे मुल्क में कितने फ़ीसद है, पंजाब में कितने फ़ीसद सर्वे हो गया है, सरगोधा डिवीज़न में कितने फ़ीसद हो गया है, और मैंने सरगोधा की जो तमाम डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट हैं उनका भी बताया था कितने फ़ीसद हुआ है। भक्कर में सबसे पहले शुरू हुआ था, वहाँ ऑलमोस्ट 80% हो चुका है, और सरगोधा में लास्ट शुरू हुआ था, यहाँ 2.7% अभी सर्वे मुकम्मल है, यानी कि बिल्कुल अभी शुरू हुआ है। और जैसे ही सर्वे शुरू हुआ है तो मैं खुद आई हूँ डीसी साहिबा के साथ बातचीत करने, और सबसे अहम आप लोगों से बात करने की, ताकि आप आगाही पैदा करें। आपके सारे इदारे की बुनियाद और डेटा है, जबकि हम देखते हैं कि सूबाई सूबाई सतह पे भी जो है इदारा स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है जिसको इदारा शुमारियात कहते हैं, तो उसका काम यही होता है, पहले 5 साल बंदे थे, उनका काम यही होता था कि मुझे डाटा बुनियादी तौर पर कैसा करें और उनके लोगों के लिए, तो क्या बजाय खड़ा किया गया है वो इदारे। आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैं वजाहत कर दूं कि जो हुकूमती इदारे हैं जिनका डेटा से ताल्लुक है वो डिफरेंट काम करते हैं। जो इदारे शुमारियात है यानी कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसका काम ये है कि वो सैंपल सर्वेस करता है, वो पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट सर्वे करता है, मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे करता है, वो सैंपल उठाता है, घर घर नहीं जाता, यानी कि पूरे पाकिस्तान के जो जितने ब्लॉक्स हैं उनमें से वो सैंपल उठाएगा और फिर आपको ट्रेंड बताएगा। पॉलिसी के लिहाज से उनकी इन्फॉर्मेशन बड़ी अहम होती है कि क्या फलां डिस्ट्रिक्ट में सेहत के क्या ट्रेंड्स हैं, एजुकेशन के क्या ट्रेंड्स हैं, वगैरह वगैरह। जो हमारा इदारा है वो घर घर जाके और सोशियो इकोनॉमिक कवायफ लेता है, तो हम सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के कंसर्न हैं। जैसे नादरा जो है वो पर्सनल आइडेंटिटीज़ की रजिस्ट्रीज़ का कंस्टोडियन है, और हमारा और नादरा में डेटा एक्सचेंज होता है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आप एहसास वाले क्यों डेटा ले रहे हैं, ये तो नादरा का काम है। तो उनको ये समझ होनी चाहिए कि पर्सनल आइडेंटिटीज़ की रजिस्ट्री और सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री में फ़र्क होता है। ये भाई पीछे से, जी 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 फरमाइए, प्लीज प्लीज आप जब ये नादरा में जाते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल वो नंबर भी है, हर चीज़ भी है, आईडी कार्ड भी है, लेकिन वो कहते हैं आप मिल जाएंगे, तो पैसे भी तो 2,000 पर मंथ के साथ वो भी नहीं मिलने शुरू हुए, देखिए तो 12,000 हैं वो भी, हम कहते हैं कि मजदूरों को सेपरेट कोई ऐसा कुछ बनाया जाए जिसमें मतलब सबको मिलना शुरू हो। ये जो आप मुझे दिखा रहे हैं फ़ोन पे, ये एहसास की हमारी एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि मैं अभी बता रही थी, आप इनको ट्रांसलेट कर देंगे, माफ़ कीजिए मैं आपकी लैंग्वेज नहीं बोल सकती। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, जो खसूसी अफराद हैं उनको दो काम करने हैं। नंबर एक, अपना खसूसी अफराद का कार्ड बनाएं नादरा से, और नंबर दो, हमारे सर्वे में घराने शामिल करें। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो फिर जून तक जो खसूसी अफराद हैं, जो मुस्तहिक हैं, सारे नहीं, जो खसूसी अफराद मुस्तहिक हैं उनको एहसास किफालत में शामिल कर लिया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। सामने आई के लोगों ने कपड़े गैर मुस्लिम
जनरल हुकूमत बैसाखियों पे चल रही है, फिर कौन सा प्रोग्राम? कानून खाली नहीं होनी चाहिए ताकि आने वाली कोई भी हुकूमत इसको जो है डिस्टर्ब ना कर सके। और ये करोड़ों रुपया अरबों रुपया जो चलाया होता है हर दफा और आने वाली हुकूमत इसको कुछ जहाँ तक नहीं करना है देखो यार और आपने देखा होगा जब हमने एहसास इमरजेंसी कैश चलाया था पूरे मुल्क में हजारों मकामात के लोगों को पेमेंट्स हो रही थी, तो उस वक्त भी हमारी करप्शन की ये जीरो टॉलरेंस थी। रोजाना जो थे एफ आई आर करती थी लोग, जो दुकानदार थे जो लोगों से मासूम लोगों से कटौतियाँ करते थे वो भेजा जाता था, उनके ऊपर एफ आई आर करती जाती थी। मेरे तमाम स्टाफ को इंस्ट्रक्शन हैं कि वो इस तरह की कोई जीरो टॉलरेंस रखें, और जहाँ भी कानून की तरफ हमें रुझू करना हो तो हम करें। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस करप्शन की कोई टॉलरेंस नहीं है। मैम आपकी खुशखबरी हमें सुना दी सिर्फ कि जो भी हुकूमत जो कर रही है वो हमें बहुत कुछ तेरा बहुत सवाल कर रहे रिकॉर्डिंग लाती जो सवाल का हो उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग लाने चेक के थ्रू भी, उससे जो आपने बात